अस्सलाम वालेकुम, मैं ब्लॉगिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। तो और बताइए, आप सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से, अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी एकदम ठीक है। तो अभी हो चुकी है हमारी इफ्तारी हो जाने के बाद में, और हमारे यहाँ पर जो है पानी आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा चलिए हम घर की जो है साफ़ सफाई कर देते हैं। जैसे कि अम्मी और मैंने, हम लोगों ने सोचा क्योंकि जैसे कि अभी ईद आने वाली है, तो हमने सोचा चलिए फटाफट से जो है घर की साफ़ सफाई करेंगे। अभी ईद को बचे ही कितने दिन हैं, तो इस वजह से हमने फटाफट से घर की साफ़ सफाई कर दिया। क्योंकि हमारे इधर पानी जो है ना 2 दिनार 3 दिनार इस तरीके से पानी आ रहा है, और आज लग अच्छा था कि पानी आ रहा है। तो और बिना पानी के काम तो होता नहीं है, तो आज हम लोगों ने सबसे पहले मोटर लगाया और देखा तब पानी आ रहा है। तो मैंने चलिए फटाफट से जो है ना किचन की क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है किचन की क्लीनिंग करना। तो यहाँ पर मैं चलिए आपको जो किचन में लेके चलती हूँ और बताती हूँ कि हम लोग क्या कैसे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे ब्लॉग बनाने तक अम्मी जो है ना यहाँ पर सारे बर्तन जो है निकाल चुके हैं, और अम्मी फटाफट अभी अम्मी को जो है सारे किचन के बर्तन धोने भी है। तो ऐसा है, तो अभी हमारी इफ्तारी बनी थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंट थोड़ा हिला हुआ है, तो ऐसा है। और यहाँ पर अब फटाफट से सारे बर्तनों को खाली करना है और ये सारे को पूरा हटा देना है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके जो है यहाँ पर हम लोग बर्तन ला के रख रहे हैं, और ये सारे बर्तन अम्मी को धोने। अभी तो इतने थोड़े से बर्तन खाली निकाल के रखे, अभी तो और ज़्यादा बर्तन है, अभी और निकलने बाकी है। बर्तन अभी थोड़े बहुत ही जो है निकल चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए कितने सारे बर्तन हो चुके हैं। अभी अम्मी जो है फटाफट से जो है बर्तन जो है पूरे क्लीनिंग मतलब धो देंगे, और उसके बाद ये देखिए बहुत ज़्यादा बर्तन थे बेचारे, हम इतने सारे बर्तन धोए हैं। और बर्तन धोने से पहले यहाँ पर जो है ना हम लोग सबसे पहले जो है ना झाला जो है वो निकाल देंगे। तो ये सारे झाले जो हम लोग सबसे पहले वो निकाल देंगे और फिर अम्मी बर्तन धोएंगे। तो आप लोग आगे तक के ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग स्किप ना करिएगा। तो यहाँ पे अम्मी और मैं हम दोनों मिलके जो है ना जाले ये निकाल रहे थे, और यहाँ पर ये ना एग्जॉस्ट फैन के पीछे जो है और सलाई जैसी है, तो वो अम्मी जो है क्लीन कर रहे थे। तो ऐसा आप लोग आगे तक के ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा बिना स्किप करें। तो मैं ये साइड से जो है ना फटाफट से क्लीन कर रही थी, तो ये साइड की जो लादी थी मैं उसे अच्छे तरीके से जो है ना क्लीन कर दे रही थी। तो मम्मी जो है ना वो साइड से वो तरफ की जो है और क्लीन कर दे रहे थे अच्छे तरीके से। ये सारा क्लीनिंग हमारा लादी जो है वो हो चुका है, अभी सिर्फ किचन क्लीन करना है, जैसे कि गैस का चूल्हा धोना है और टाइल्स को जो है अच्छे तरीके से जो है धो देना है। अब मैंने मम्मी को कहा कि अम्मी आप जाइए और जाकर जो है पूरे जो बर्तन है उसको धो दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बर्तन थे। इस वजह से मैंने मम्मी को बोला कि बर्तन धो दीजिए जब तक कि मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी ये भी करेंगे वो भी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाएगा। तो ऐसा है, तो यहाँ पर देखिए सारा पसारा फैला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा पसारा फैला हो गया, पूरी डीप क्लीनिंग हुई है किचन की, एक बर्तन भी जो है ना छोड़े नहीं है, सारे बर्तन धो दिए हैं। तो ये देखिए अभी इतने सारे अभी पूरे धोने बाकी है। यहाँ पर जो है मैं टूल पे चढ़ के जो है क्लीन कर रही हूँ टाइल्स को, क्योंकि मेरा हाथ पहुँचना चाहिए ना ऊपर, इस वजह से। तो ऐसा है, और यहाँ पे मैं फटाफट से जो है ना किचन को क्लीन कर दूँगी, और यहाँ पर जो है फ्लोर को मैं किचन की जो फ्लोर थी उसे मैं धो रही थी, और इसमें से मेरे हाथ से धड़म करके जो है सर्फ का पानी जो है वो गिर चुका है। तो ऐसा था, तो प्लीज़ आप लोग आगे तक के ब्लॉग में कंटिन्यू रहेगा, और प्लीज़ वीडियो को जो है ना आप लोग भगा भगा के ना देखिएगा, स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़।
पे मम्मी जो है पूरे बर्तन जो है वो धो रहे हैं और यहाँ पे दीदी जो है ना बर्तन को अच्छे तरीके से लगा दे रहे हैं अपनी जगह पे। यहाँ पे मेरा किचन का जो काम था, किचन क्लीनिंग था, वो हो चुका है। बेचारी मम्मी अभी तक के बर्तन धो रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए इतने बर्तन और बाकी है, तो मम्मी का काम तो बहुत हार्ड था बर्तन धोने का। तो ऐसा है, यहाँ पे देखिए डब्बे जो है सूख रहे हैं, जब ये सूख जाएंगे तो इसके अंदर जो है सामान भर देंगे और फिर इसको अपनी जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पे जो है सारा काम जैसे कि किचन का जो है वो हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं फटाफट से जो है झाड़ू मार दूंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना टाइम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा रात हो गई है। तो ऐसा है, तो फटाफट से जो है मैं झाड़ू मार दूंगी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी ना इस वजह से। झाड़ू मार दी। उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं कूलर भर दे रही, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम कूलर भर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो ऐसा है, और यहाँ पे मैंने कूलर भर दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं ज़मीन पोंछ रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने इतना सारे बर्तन धोए, तो मैंने कहा मम्मी मैं ही ज़मीन पोंछ दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन थे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है ज़मीन पोंछ दूँगी, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगी। फ्रेश हो चुकी हूँ और हमारी जो किचन क्लीन है वो भी जो है वो हो चुका है। तो ऐसा है, अभी बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी हम सोएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को सहरी में फिर उठना भी है। तो ऐसा है, तो अभी टाइम मैं बताती हूँ आपको कि तरह तो टाइम हो रहा है 1:15। तो ऐसा है, तो अभी हमें सभी सोना भी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी थक चुके हैं। सबसे ज़्यादा तो मम्मी का काम था, मम्मी ने इतने सारे बर्तन धोए थे, किचन की एक ही जो कोना था वो बिल्कुल भी छोड़ा नहीं था। तो ऐसा था, तो अभी चलिए जिसके लिए हमने मतलब जितना हम लोगों ने मेहनत की है किचन में, तब वो तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमारी किचन जो है वो कैसी लग रही है। तो चलिए मैं आपको हमारी किचन दिखाती हूँ। तो माशा अल्लाह ये रही हमारी किचन। तो यहाँ पे जो है हमारी किचन की एकदम डीप क्लीनिंग हो चुकी है, और माशाल्लाह से सारे बर्तन देखिए कितने अच्छे तरीके से ना चमक रहे थे। यहाँ पे हमारी जो मेहनत है वो रंग ला चुकी है। तो ऐसे यहाँ पे ओवन और मिक्सर ये सारी चीज़ें भी हमने अच्छे तरीके से पोंछ दिए थे। और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारे इफ्तारी के प्रेपरेशन जो था, इफ्तारी का जो बचा था वो हमने रखा था। और यहाँ पे देखिए एकदम डीप क्लीनिंग हो गई थी। तो ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग थक गए थे, बट क्या करेंगे, किचन हमारी बहुत गंदी भी हो गई थी, तो हम लोगों ने इसे क्लीन कर दिया था। तो कैसा लगी हमारी किचन कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग भी आप लोगों को कैसा लगा है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यहाँ पे हमारी किचन कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और माशाल्लाह भी ज़रूर कहना। तो ऐसा है, तो अब यहाँ पे जो है हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, बीच में से भगा भगा के ना देखिएगा। तो ऐसा है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज का हम लोगों का ब्लॉग जो है कैसा लगा है, छोटी मोटी अपडेट जो थी मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर करी। तो ऐसा है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और कहिएगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऐसा है, तो मैं तो आप लोगों को हमेशा मेरी दुआ में याद रखती हूँ, तो आप लोग भी मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखना। तो बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। तो बाय बाय।